राजधानी में मंगलवार को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थे, जिन्होंने दत्तोपंत की ठेकड़ी को याद। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि दत्तोपंत के समानता के सिद्धांत सालों पुराने हैं, जिसका अनुसरण करने की जरूरत है। उधर मंत्री विश्वास सारंग ने गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। विश्वास ने कहा कि गुजरात की जनता डबल इंजन की सरकार में विश्वास रखती है। इसके अलावा गुजरात चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई। खड़गे ने मोदी को सोच सिर वाला रावण कहा था, जिसके बाद नरोत्तम ने खड़गे को खरे खोटे सुनाते हुए मोदी को वैश्विक नेता बताया। उधर एमपी नगर में एक बैंक अधिकारी ने अपने पहले पति की शिकायत की। अधिकारी का आरोप है कि उसके पहले पति ने फर्जी साइन कर उसके नाम से लोन ले लिया, जिसकी आज तक एक भी किस्त नहीं चुकाई। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दत्तोपंत ठेंगड़ी भीमराव अंबेडकर के करीबी थे। उनके चुनाव संचालन से लेकर अन्य मामलों में दोनों के बीच आपसी समझ। ये कहना देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जो मंगलवार को राजधानी में आयोजित 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में भारत का आर्थिक सामर्थ्य सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर बोल रही थी। सीतारमण ने कहा कि दत्तोपंत ने बहुत पहले समानता और विकास को लेकर जो बातें कही थी, वो आज भी प्रासंगिक है। जिसमें उनके मन बहुत ही इन्वॉल्व था, हर कदम टुवर्ड्स इंप्रूविंग टूवर्ड्स इक्वालिटी, इक्विटी रहना सोसाइटी में, और इक्वालिटी के जैसे साथ जब सिटीजन्स को ट्रीट किया गया, फिर तो उस राज्य उस स्टेट विल गो फॉरवर्ड। इक्वालिटी के लिए उनका बहुत ही बड़ा स्थान था, और उसमें मुझसे बहुत सारे परिचय जो रखते हैं दत्तोपंत जी से, वो जरूर ज्यादा बोल पाएंगे, मगर आई वॉन्ट टू टच ऑन दिस। वो बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ समय उनके चुनाव के दौरान शायद उनके इलेक्शन एजेंट भी थे। सो उनके परिचय डॉक्टर अंबेडकर के साथ इतना नजदीकी परिचय था, इसीलिए ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो बाय दैट इक्वालिटी एंड इक्विटी प्रिंसिपल। इक्वालिटी के लिए आज अगर हम बात करना है तो संविधान में जितने भी प्रोमिसेस है अफर्मेटिव एक्शन का, पॉजिटिव एक्शन का, वो सब बरकरार रखते हुए भी। उधर गुजरात चुनाव में बनासकांठा की 4 सीटों के प्रभारी बनाए गए मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। इस मौके पर उन्होंने राजधानी में पत्रकार चर्चा में कहा कि गुजरात की जनता एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएगी। विश्वास ने कहा कि जनता विश्वास परक सरकार चाहती है, और इस मामले में सालों से भाजपा गुजरात की जनता की सेवा करती आई। मोदी जी का जलवा है डबल इंजन की सरकार की धमस, और उसकी विकास यात्रा हमें यहाँ स्पष्ट दिखती है। जनता का मन है पुनः गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनाएगी, गुजरात की जनता और विकास और कल्याण की राजनीति को निश्चित रूप से जो मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसके नए आयाम गुजरात में स्थापित होंगे। गुजरात का कोई आपको प्रभाव वगैरह दिया है? हाँ जी, मैं बनासकांठा जिले की 4 विधानसभाओं का काम मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव में विवादित बयान दिया, जिसके बाद एक बार फिर से भाजपा को कांग्रेस को घेरने का मौका मिला है। दरअसल एक चुनावी सभा में खड़गे ने मोदी को सोच सिर वाला रावण कहा था, जिसके बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भले ही ऐसे बयान दे, लेकिन मोदी वैश्विक नेता के तौर पर दुनिया में स्थापित हो गए। उम्र के 80 बसंत पूरे हुए और राहुल का असर शुरू हुआ। आपने तो रावण के ही 100 सिर बना दिए, दशानन को स्वशासन बना दिया आपने। आदरणीय खड़गे जी, मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में विश्व स्वीकार कर चुका है उन्हें। अभी G20 के इसी महीने में अध्यक्ष बने हैं वो, और आपका ये बयान रावण वाला, ये अकेली गुजरात की जनता का अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामयी पद होता है, वो राष्ट्र से जुड़ा होता है, राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा होता है। ये पूरे देश का अपमान है, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। एमपी नगर पुलिस ने एक महिला बैंक अधिकारी की शिकायत पर उसके पूर्व पति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपी पति ने शादी के बाद अपनी पत्नी के फर्जी साइन कर बैंक से लोन ले लिया, लेकिन एक किश्त भी नहीं चुकाई। इस पर बैंक ने उसकी पत्नी पर लोन की किश्त चुकाने के लिए संपर्क किया, तब मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ और तलाक हो गया। इसके बाद महिला ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी श्रीकांत श्रीवास्तव गाजियाबाद का रहने वाला और एक निजी कंपनी में काम करता है। ये इसमें फरियादियां हैं कृतिका श्रीवास्तव, इन्होंने शिकायत की थी कि इनकी शादी श्रीकांत श्रीवास्तव से हुई थी, और जिसने श्रीकांत ने एक पर्सनल लोन 7.5 लाख रुपए का लिया था। इसमें सह आवेदक अपनी पत्नी कृतिका को बनाया था,
लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दस्तखत कराने थे उस पर कृतिका के दस्तखत ना करवाकर स्वयं ही कृतिका के दस्तखत इस आरोपी ने श्रीकांत ने कर दिए थे। दोनों के बीच में तलाक का मामला भी माननीय न्यायालय में चल रहा है और जब इस बात की जानकारी कृतिका को हुई कि उसने फर्जी दस्तखत करके पर्सनल लोन ले लिया है तो इस बात पर इसने शिकायत की थी जिस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। फाइनेंस कंपनी से इसके पास किस्त चुकाने के लिए जब मैसेज आया और इसके पास में नोटिस आया तब इसको जानकारी लगी कि ये मेरे नाम से भी इसने आवेदक सह आवेदिका बना के मेरे नाम से पति ने लोन ले लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी अभी शेष है, शीघ्र हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे।